नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर और आज फिर से आए हैं भाइयों अपनी काकड़ी के खेत के अंदर। और यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं, एक बार तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिलहाल में कौन कौन सी समस्या का समाधान करेंगे, कौन सी दवाई लेंगे, क्या डोज लेंगे, क्या प्राइस होती है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर इस तरह की खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये है जी अपना ककड़ी का खेत और इसके अंदर आजकल ना ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई है और ककड़ी उतरना भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसके कई सारे कारण हैं। एक तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लीफ माइनर आ रखा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मोस्टली पत्तों के ऊपर ना इस तरह की सुरंगें आपको दिखाई दे रही होंगी, धागे से दिखाई दे रहे होंगे, ये लीफ माइनर का अटैक है। तो ऐसे में जो भी क्लोरोफिल बनाता है पत्ता, उन सबको ये खा जाता है, जिससे कि प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। और दूसरी जो समस्या है, पत्तों के अंदर पीलापन भी आ गया हल्का सा और इसके अंदर फ्लावर्स की संख्या है वो भी काफ़ी घट गई है। तो ये मोटी मोटी सी ये हमारी इसके अंदर कमियां हैं और साथ में इसके अंदर हल्की फुल्की अपने ब्लास्ट वगैरह की भी समस्या हमें देखने को मिल रही है। इस तरह से जो पत्ते हैं वो एकदम से सूखे जा रहे हैं। तो फिलहाल में हम एक तो लीफ माइनर के लिए कोई ना कोई दवाई लेंगे और साथ में हम लेंगे अब कोई भी हार्मोनल चेंज करने वाली दवाई लेंगे, जिससे कि फ्लावर हैं वो ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा काकड़ी हमारी खेत के अंदर लगती रहें। तो चलो वो दवाई आपको दिखाते हैं। ककड़ी में स्प्रे के लिए ये दो दवाइयाँ हमने ली हैं, एक तो पावर प्लस के नाम से आती है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, बाकी हमें नहीं पता भैया क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। और ये मोक्स ऑर्गेनिक कोई कंपनी है गुजरात की, उसकी है ये, 1 लीटर की पैक है, 800 रुपये प्राइस है इसके ऊपर, लगभग 500-600 रुपये के आसपास ही हमें देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर फोलियर स्प्रे के लिए 100 ml पर एकड़ इस पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, साथ में ड्रिप में भी चला सकते हैं, स्प्रिंकलर में भी ले सकते हैं, 1 लीटर पर एकड़ के लिए है ये। तो इस तरह से हम 100-150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज लेने वाले हैं स्प्रे में। और इसी तरह से हमने कीटनाशक के रूप में, यानी कि जो अपना लीफ माइनर है अपने पत्तों के ऊपर साफ साफ आपको अटैक दिख रहा है ना, उसके लिए हम सोलोमोन लेने वाले हैं और इसकी डोज लेंगे प्रति 25 लीटर पानी में 15 ml डोज इसकी हम लेने वाले हैं सोलोमोन की। और इसके अलावा एक और हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और वो सामने जो एक कैन दिख रहा है आपको, इसके अंदर है वो, इसके अंदर जो अपने गुड़म्बे होते हैं खेतों के अंदर देखे होंगे पीले पीले, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं, हमारे हरियाणा में तो गुड़म्बा के नाम से जानते हैं, गुड़म्बा लिया और 200 लीटर के ड्राम के अंदर 50-60 किलो गुड़म्बे लिए, उनको काटा और ऐसे ड्राम के अंदर भर दिया, साथ में 3-4 किलो गुड़ डाल दिया और पानी से भर के एयर टाइट करके उसको छोड़ दिया था। तो इस तरह से एक लिक्विड तैयार हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो वो लिक्विड उस कैन के अंदर भरा हुआ है, प्रति 200 लीटर पानी में उस कैन में से 2 लीटर हम निकाल लेंगे और इसके अंदर डाल लेंगे और स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही तगड़ी ये दवाई तैयार हो जाएगी कीटनाशक के रूप में भी, और साथ में फ्लावर्स के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही तगड़ी ये दवाइयाँ हमने ली हैं, तो इनका हम स्प्रे करने वाले हैं अभी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे ज़रूरतमंद किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।